कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर कर लिया। राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश किया। बिल के तहत ऐवान की तौहीन पर 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। जबकि इस बिल के तहत पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। नैब तरामीम के सुप्रीम कोर्ट का फैकेन को तहरीरी गुजारिशा जमा करवाने का हुक्म। इमरान खान के वकील वाजे करें कि वो किन तरामीम को किन बुनियादों पर चैलेंज करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स केस की समाअत गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। कुछ देर बाद होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर भी किया जाएगा। कि किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात को तरजीह नहीं देते, यकीन रखते हैं कि एहतजाज और इजहार राय बगैर तशद्दुद के होना चाहिए, जबकि गिरफ्तारियाँ भी कानून के मुताबिक होनी चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची में जलाऊ घेराव। पुलिस ने शरपसंदों की तस्वीरें जारी कर दी। मुलजिमान की तलाश में तेजी, नागरा से भी मदद ले ली गई। आपको देखकर खुशी हुई, हर किसी को कहता हूं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर होने वाली तनकीद के मामले में वजाहत कर दी। चीफ जस्टिस का एक केस की समाअत के दौरान कहना था कि मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, मैं तो हर एक को एहतराम देता हूँ। कराची में लूटमार की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। लियाकतबाद में ताजर को दौराने डकैती फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। मुलजिमान रकम छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज के 21 न्यूज ने हासिल कर ली। आज सिंध की स्पेशल टास्क फोर्स के इंचार्ज एसपी अयाज खान के खुफिया इतला पर कराची के इलाके सच्चर के इलाके में कार्रवाई। 1000 किलोग्राम मुजरे सेहत कुट का बरामद कर लिया गया। महंगाई की तकलीफ में हुकूमत का आवाम के लिए बढ़ा रिलीफ। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। कीमत 282 से कम होकर 270 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल पर 30 जबकि लाइट डीजल पर 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स से गुजारिश है कि अब किरायों में कमी करें। गर्मी ने होश उड़ा दिए। मई में मौसम बेहतर ना होने की पेशगोई। लोग दिन भर घरों और दफातर तक महदूद रहने पर मजबूर। पीर को गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। पाक फजाइया के दस्ते की फजाई मशक एनाटोलियन ईगल 2023 में कामयाब शिरकत के बाद वतन वापसी। बैन अवी फ्लाई टैक्टिकल मशक तुर्किया के शहर कोनिया में मुनद हुई थी। एयर मार्शल इरफान अहमद डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने मशक की खतामी तकरीब में शिरकत की। Thank you.
चित्राल में चिलम जोशी फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। रंगारंग फेस्टिवल 14 से 17 मई तक कालाश के बाद यूंबा शमोल बम्बूरियत रंबर और बरीर में मुनाकिद किया जा रहा है। फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाह शिरकत कर रहे हैं और इस मौके पर कालाशी बरादरी की तरफ से मशरूबात बांटने, रवायाती गाने गाने और रक्स की कालाशी रसूमात अदा की गई। मलिका तरन्नुम नूरजहां की साहबजादी गुलकारा जिले हुमा को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस हो गए। जिले हुमा मलिका तरन्नुम नूरजहां की सबसे लाडली बेटी थी। जिले हुमा को गायकी का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन वालदा ने कम उम्र में गाने की इजाज़त ना दी। जिले हुमा ने अपना ये शौक 1990 में पूरा किया। मशहूर ज़माना कौंस फिल्म फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों और रानाइयों के साथ आज से शुरू होगा। फिल्मी दुनिया के मोतबर तरीन मेलों में से एक कौंस फेस्टिवल 27 मई तक जारी रहेगा। लॉस एंजेलिस 2001, हम्बल रूट्स, लोकल किड्स, स्ट्रीट रेसर्स हू बिकेम हाईजैकर्स, ग्रेजुएटेड टू हाई स्पीड स्मगलिंग, मोबाइल जेलब्रेक्स, train robbers. If it could be done in a car, they did it. If it violates the laws of God and gravity, they did it twice. But the days where one man behind the wheel of a car can make a difference are over. और रफ्तार का बादशाह वन डीजल फिर एक्शन में। हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर मूवी फास्ट 10 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में तहलका मचाने आ रही है।